हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है हैशटैग डेली 5 मिनट्स में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बिहार पीसीएसजे और एपीओ दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं एंड सभी क्वेश्चंस केस लॉज के हैं। लास्ट तक देखिएगा, एक भी केस नहीं छोड़ना है। फर्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वॉज हेल्ड डेट Provisions of Chapter 8 of CRPC being in public interest are not violative of Article 19 of the Constitution of India. मधुलिमे का केस है फ्रेंड्स, ईजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मधुलिमे वर्सेज SDM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल डेट अक्यूज कैन नॉट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज इनवॉक सेक्शन 91 वॉज लेड डाउन इन स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेज देवेंद्रनाथ पाधी का केस। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है एंड गाइस सेक्शन 91 भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन टू एंश्योर डैट पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट अरेस्ट एक्यूज अननेसेसरली एंड मजिस्ट्रेट डू नॉट ऑथोराइज डिटेंशंस कैजुअली वेयर इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए फेमस केस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रोवाइडेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिलेटेड टू राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन्स। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डीके बासु का केस है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डीके बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, इससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड गाइस, सिर्फ 5 मिनट्स देने से आप एक ह्यूज अमाउंट में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा चुके हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और किस तरह से बन सकते हैं टॉपिक से वो भी हो जाएगा। तो इसलिए गाइस कंटिन्यू रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए पुलिस ऑफिसर इज़ बाउंड टू रजिस्टर एन FIR अपॉन रिसीविंग एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC। और ये था ललिता कुमारी के केस में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, 154 में FIR है और 155 में है NCR, वो भी अच्छे से देख लें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, In which of the following cases it was held that a person has a right to protection under section 161 clause 2 of CRPC against questions, the answers of which would have a tendency to a criminal charge. Nandini Satpathy ka case hai, correct answer ho jayega A, Nandini Satpathy versus PL Dani. Next question hai, The Supreme Court of India in the case of State of Haryana versus Dinesh Kumar 2008 held that arrest implies apprehension of the accused by the police officer or submission of the accused to the custody by word or action, including when he is in the judicial custody on surrender before the court and or submits to its direction. Friends, pucha ja sakta hai. Next question hai, Which one of the following case is a landmark case on FIR? FIR से related अभी हमने बात की, ललिता कुमारी का केस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ UP। In which of the following case it was held that identity of victim is not to be disclosed even in judgment of the court? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आंसर है बी, दिनेश वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 एंड वन डायरेक्टेड अंडर सेक्शन 202 ऑफ द कोड हैज़ बीन क्लियरली ब्रॉट आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड्स, 156(3) भी अच्छे से देख लें और 202 भी इम्पॉर्टेंट है, और ये कौन से केस में बताया गया है, देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेज नारायणा रेड्डी के केस में। नेक्स्ट है, In which case did a 5-judge constitutional bench of the Supreme Court consider the ambit and scope of section 319 of the CRPC? Correct answer ho jayega A, Hardeep Singh versus State of Punjab. Friends, section 319 bhi aaj dekh lein. Next question hai,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट FIR वॉज नॉट सब्सटेंटिव एविडेंस एंड कुड ओनली बी यूज टू कॉरबरेट इट्स मेकर्स. ये कौन से केस में बताया गया है, ए बी सी या डी? फ्रेंड्स आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा. एंड गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में. थैंक यू गाइज, बाय बाय, शेयर विद ऑल.